हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत मजा आ रहा है ग्रोसरी करते हैं। हैविंग टू मच फन। तभी पूरा आइल तेरे लिए खाली करवाया ना ताकि डांस कर सके। मैं यहां लेट ना चाहता। नो। आप देख। नहीं। वहां से बस एक वो ले ले। नो नॉट दिस वन। यस। क्या बोला तूने? हमारे गांव में सामान ऐसे लेके जाते थे पहले। अच्छा। जब मैं भैया ट्रॉली में नीचे रख लो, यहाँ नीचे। जब मैं होता था। हाँ, जब मैं होता था तब इसको यहाँ नीचे रख ले। दो साल बाद। अच्छा ठीक। जब फिर ऐसे लेके जाते। अच्छा, अब नहीं लेके जाते ऐसे। टॉयलेट पेपर ले लो। सफाई सेशन चल रहा है इसका। मजे ले रही है पूरे। जिंदगी में ये तो मजे। ये असली लाइफ, ना कोई टेंशन है इसको, ना कोई कुछ। ना रेंट देना है, ना खाने पीने की चिंता, ना खाना बनाना है। ये देखो क्या मजे आ रहे हैं भाई। अभी दूसरा शुरू हो गया और ऐसे बैठी है, पैर के ऊपर पैर रख के सीधी बांध रही थी। कुकलू सुन भी नहीं रही है। कुकलू चला जाएगा इसका। ना जी ना, चुप रहे। स्पाइडरमैन देयर एंड दिस वन आल्सो हियर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है करवा चौथ यहाँ पे, और आज मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी थी सुबह से। मतलब सुबह तो क्या, दिन के 1 बजे थी और अब ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। सो अब हम फाइनली घर जा रहे हैं। मतलब वैसे तो इसमें व्रत नहीं रखा जाता है प्रेगनेंसी में, पर मेरे तो मतलब वैसी व्रत हो गया आज हॉस्पिटल के चक्करों के चक्कर में। अब घर जा कर थोड़ा बहुत कुछ खाती हूँ और फिर आज त्याग जी ने मुझे कहा कि मुझे मंदिर लेके जाएंगे। पहले लेके रख रखा है इंतजाम। हाँ, तो मैं जाके खाऊंगा कि थोड़ा ना खाऊंगा, कमजोरी आ रही है ना, मुझे इतनी देर से खाया नहीं है मैंने। तो अभी हम फिर इसके बाद तैयार होके मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, फिर घर आ के चांद का इंतज़ार करेंगे। फिर आप लोगों को मिलती मैं जब हम मंदिर की तरफ निकलते हैं। और फिर मैं देखूँगी आज शाम को त्याग जी क्या मतलब खास पेशकश रखने वाले हैं। हाँ, चलेंगे रेस्टोरेंट में। नहीं, घर में खाऊंगा। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मैं इंडिया से स्पेशली अपने साथ इतने खूबसूरत खूबसूरत सूट लेके आई थी कि करवा चौथ पे ये पहनूंगी, करवा चौथ पे वो पहनूंगी, बट इनमें से कोई फिट ही नहीं हो रहा। चलो एटलीस्ट एक चीज़ तो ऐसी है जिस पे मेरे मोटापे का कोई असर नहीं हुआ है। इसके साथ कितना परफेक्ट मैचिंग चूड़ियाँ भी थी मेरे पास, बट ये भी नहीं आ रही। मेरी चूड़े की चूड़ियाँ भी नहीं आ रही अपने हाथ में फिट। सोच गए बेचारे छोटे छोटे सिड्डू जैसे हो गए। मैं रेडी हूँ, प्लेन एंड सिंपल। दिमाग में तो बहुत कुछ था, चलो वो कुछ हो नहीं पा रहा है। कान में कुछ जा नहीं रहा है। ये वाला कान तो ठीक है, पर इस वाले का छेद बंद हो गया है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। शगुन का नाम का एक है, हाथ में ये है, अभी कड़े डाल दूंगी, गले मंगलसूत्र होगा, बिंदी होगी, मांग होगी और पाँव में पायल है। आई गेस सारा श्रृंगार हो चुका है और थोड़ा सा ये लगाया मैंने, और अब थोड़ा सा काजल लगा लूंगी मैं शगुन के नाम का। दैट्स इट, अब हम चले मंदिर।
पंडित जी ने मेरे साथ करी चीटिंग, मेरे को दिए केले, इसको पूरे लड्डू एंड सेव एंड सब कुछ दिया। मालूम है ना किसकी श्रद्धा ज्यादा चल रही है। अच्छा अच्छा, चटकी लड्डू भी मिला, सेब भी मिला, केला भी मिला, कैलेंडर भी मिला, ताकि लोगों को मालूम हो कौन सी डेट सही है कौन सी नहीं है। बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं चांद ढूंढती हूँ अगर निकला है कि नहीं। ये निकल गया। अच्छा स्ट्रीट लाइट है, मेरे को तो लग रहा है। ओए नीचे ध्यान से, बादल ही बहुत है, पता नहीं निकलेगा कि नहीं। तुम्हारा चांद सामने तो खड़ा है तुम्हारे। तुम तो हर साल के 365 डेज सामने हो ना, पर पिछले साल भी नहीं दिखा था चांद। एरोप्लेन को देख के ना करती हूँ भी। करती हूँ वैसे हाथ। गेट त्यागी जी। What are you making for your very lovely wife? आज तो चलो खिलाना ही पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया। पर इस साल तो मेरा व्रत भी नहीं था। चलो व्रत नहीं था तो भी क्या बात है, कोई बात नहीं है, वही खिलाना तो पड़ेगा यार, तो चलो सेवाई करनी पड़ेगी। तो आज हमारी सेवा में क्या पेश किया जा रहा है? आपकी सेवा में सर आज मिलेगा आपको शाही पनीर मिल जाएगा। ओके। हमारे रेस्टोरेंट में। ओके रेस्टोरेंट में। अच्छा, और आपको मिल जाएगा दाल मखनी मिल जाएगी। ओके। सैलेड हो जाएगा। ओके। और रायता हो जाएगा। ओके। रोटियां नहीं, मैं सोच रहा हूँ लच्छे पराठे हो जाएंगे। ओह माय गॉड, तो ये आपका शाही पकवान कितने बजे तक बनेगा? फास्ट बहुत है शेफी, फिट ही मारता है। फिट देखते ही जाओगे, आपको पता ही लगेगा। फिट व्लॉग में तो एक मिनट में बन जाएगा। खाने के लिए भेज रखा है 10 बज जाएंगे, लेकिन व्लॉग में बन जाएगा। अभी तो वैसे भी चांद नहीं देखा ना तुमने। हाँ चांद देखना है अभी, पर बादल ही बहुत है, पता नहीं दिखेगा इस साल भी कि नहीं। फिर लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और मैं सभी को हैप्पी करवा चौथ विश करना भूल गई थी, सो हैप्पी करवा चौथ जो भी बाहर कह रही हूँ, जो भी लेडीज व्रत रखती है उनके लिए, और जो नहीं भी रखती है उनके लिए भी हैप्पी करवा चौथ। मिलती हूँ आप लोगों को अब थोड़ी देर के बाद। पनीर रेडी है, आटा गूंद लिया है, ये बन रही है यहाँ दाल की मखनी, और ये क्या नया एडिशन है? ये सर सेविया, सेविया, और सैलेड मैंने बना लिया है। और थोड़ा मैं बाहर देखो अगर मेरा चांद नज़र आ रहा हो कहीं, वैसे तो बादल ही बादल है, मैंने अभी देखे थे थोड़ी देर पहले। यहाँ से तो शायद अंदर से कुछ ना नज़र आए आप लोगों को। ऐसे नहीं दिखेगा ब्रो, मिनी ऐसे नहीं दिखेगा ब्रो। ब्रा आई कैन सी, नहीं बादल है बाहर। मैं जा रही हूँ बाहर देखने कि चांद निकला है कि नहीं, क्योंकि चारों ओर बादल ही बादल है। देखो ऐसे मौसम में किसको चांद दिख रहा है, बट इट्स ओके, छोटी सी वॉक पे भी चलते और देख लेती हूँ चांद है कि नहीं। ये देखो पूरा आसमान बादलों से भरा पड़ा है। एक और स्पॉट है जहाँ से चांद दिखने की मुझे थोड़ी सी उम्मीद है, उधर चलते हैं। यहाँ पे भी बादल ही बादल है सारी जगह। लो जी, पता नहीं इस साल भी चांद नज़र आएगा कि नहीं। इट इज़ ओके, पिछली बार यहाँ दिखा था जिस दिन फुल मून था, अभी तो है नहीं। चांद तो नहीं दिखा पर फ्लाइट्स ज़रूर नज़र आ गई मुझे दो चार। पर मैं वापस घर की ओर जा रही हूँ, आधे के घंटे में दोबारा देखूँगी। अंकल गाड़ी मोड़ रहे हैं, मैंने जाती गाड़ी के नीचे में ही आ रही, पता नहीं किधर को मोड़ रहे हैं, तो आधे घंटे में फिर से आऊँगी। एक बार जब खाना पूरा बन जाएगा, वो जा रही पीछे फ्लाइट दिख रही, दोबारा से आते आधे घंटे में देखती हूँ अगर तब चांद निकल आया हो, नहीं तो मैं दिया तो जला ही लूँगी। देखते हैं, चांद तो दिख नहीं रहा है क्योंकि बादल ही बादल है, बट मैं अपना दिया तो जलाई रही हूँ और जला दे दूँगी जिस तरफ चांद होना चाहिए, क्योंकि गूगल के हिसाब से तो 8 बजे निकल गया चांद और अब 10 बज रहे हैं, तो मैं सोच चुकी हूँ कि अभी वो ख़त्म कर देती हूँ रिचुअल्स सारे, क्योंकि अभी हम गाड़ी से भी देखने गए थे फिर भी नहीं दिखा, सारी जगह बादल ही बादल है। पति चुके अपनी पूजा कर लेती हूँ खत्म। ओके पति देव, किधर साइड को मुड़ू लेकिन हाँ। आज का हमारा शाही भोग रेडी है, ये है सेविया, ये बनाया थोड़ा सैलेड, पनीर, परांठे, अरे क्या था दाल मखनी, मखनी तो रह गई, मक्खन डाल लेंगे ऊपर से। ओके, बाकी चावल है अगर किसी ने चावल खाने हो जैसे कि मैं, और अब हम खाना खा लेते हैं और आप सबको मिलेंगे हम खाना खाने के बाद।
हमारा डिनर भी हो चुका है, बर्तन धुल गए, साफ सफाई हो गई, सब कुछ हो चुका है। अब है बारी सिर्फ सोने की, और मैं भी थोड़ा टीवी देख लेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। आप सभी लोगों को मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून, टेक केयर, बाय।